महिला नायब मामलतदार 10 મહિના પહેલા મોલથી ખરીદી કરી પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ રિક્ષામાં પોતાનો મોબાઈલ ભૂલી ગયા હતા। આ ઘટનાના 10 મહિના બાદ અજાણ્યા મહિલા નાયબ મામલતદારના મોબાઈલના વિડિયો અને ફોટા એડિટેટ કરી તે ફોટા વહેતા કરવાની ધમકી આપી ખંડણી માંગી હોવાની ફરિયાદ નોંધાતા તેને ઝડપી પડાયો છે। साइबर क्राइम में नायब मामलतदारे आपेली पोलिस फरियाद मुजब जेओ जान्युआरी 2020 में मॉलनी थी खरीदी करी रिक्षा में घरे परत आव्या हता ते समय रिक्षा में मोबाइल भूली गया हता। मोबाइल में मेमरी कार्ड जेमा पर्सनल फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंटो हता। मोबाइल न मळता नायब मामलतदारे नवा सीम कार्ड ले लीधो हतो। छेक 10 महीना पछी 30 ऑक्टोबरे रात्रिना समय एक कॉल आव्यो अने सामेवाळाए हिंदी में बात करो एवुं कहता महिलाए कॉल कट करी नाख्यो हतो। त्यार पछी अवारनवार कॉल आवता हता। महिलाए पोतानो बनावेलो वीडियो अने अंगत फोटोग्राफ रिक्षा में भूली गयेला मोबाइलना मेमरी कार्ड में हता। अजाण्या शख्से महिलाना मोबाइल पर वीडियो साथे अश्लील मैसेज पण कर्यो हतो। पछी महिलाए तेनु सोशियल मीडिया तेना पतिना मोबाइल में चालू कर्यु। त्यार पछी अवारनवार मैसेज अने बीभत्स फोटोग्राफ मोकलतो हतो। फोटो डिलीट करवा माटे 60,000 नी मांगणी करी अने नहीं आपे तो फोटो वायरल करी देवानी धमकी आपी हती। जे मामले महिला मामलतदारे आ मामले साइबर क्राइम में फरियाद नोंधाता ज साइबर क्राइम पोलीसे आरोपी एवा मूळ दिल्हीनो अने हाल आंजणा खाते ओमनगर सोसायटी पासे ढुंबाल टेनामेंट में रहता नाजीम पटेल ने झड़पी पाड्यो हतो अने तेनी विरुद्ध